पंजाब में बसे मानसा जिले में दिन दहाड़े जाने माने सिंगर टर्न पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला के महिंद्रा एसयूवी पे करीब 30 गोलियां बरसा दी गई। 29 साल के इस यूथ आइकन की कुछ अनआइडेंटिफाइड गनमैन के हाथों मौत हो गई है एंड आज देश इस हादसे से उभर नहीं पा रहा है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है जब किसी इंसान ने मन में नफरत भरकर और हाथ में बंदूक लेकर किसी जाने माने पर्सनैलिटी को उनके मौत से मिलाया हो। आज तक हमारे देश में कई ऐसे नॉन पर्सनैलिटीज का असैसिनेशन हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 4 असैसिनेशन को देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पीछे का रीजन क्या था। नरेंद्र डवोलकर। आज भी जब अंधश्रद्धा की बात होती है तो इंडिया के जड़ों से उसे उखाड़ फेंकने का एम रखने वाले नरेंद्र डवोलकर का नाम और काम सबके सामने आ जाता है। यही एम रखते हुए उन्होंने 1980s में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन नाम की समिति स्टैब्लिश करी थी। लोगों के मन से अंधश्रद्धा को निकाल फेंकने का पहला स्टेप उनका यह था कि वो ऐसे ढोंगियों को पकड़ेंगे, ऐसे ढोंगियों को टारगेट करेंगे जो कि लोगों को जादू टोना और ऐसे चमत्कार के नाम पर लूट रहे थे। मार्जिनलाइज लोगों को उनकी डिग्निटी हासिल करने के लिए एम्पायर करने से कास्ट सिस्टम को इंडिया से इरेडिकेट करने तक डॉक्टर डवोलकर ने कई सारे एक्शन लिए। He even worked as an editor for a Marathi weekly founded by Sen Guruji. और उनके इन्हीं activist activities के लिए वो करीब 3000 public meetings में participate कर चुके थे। He wanted to purify the religion of superstition और यही बात बहुत लोगों को खटकने लगी। 2010 में महाराष्ट्र में anti-superstition law enact करने के unsuccessful कोशिश के बाद उनके इसी activism के खिलाफ oppositions बढ़ने लग गए। कई सारी political parties को Dr. डवोलकर का anti-जादू टोना bill मंजूर नहीं था क्योंकि उनके according अगर ये bill pass हो जाता तो बहुत सारे Indian traditions और customs disrupt हो जाते। After aiming infamous आसाराम बापू for wasting drinking water for playing Holi, while the rest of Maharashtra had surrendered to the drought in 2013, Dabolkar had also crossed the government for delaying the process of law enactment in the month of August. बस इसी इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद जब सुबह 7:20 पर ओमकारेश्वर मंदिर जो कि पुणे में उसके प्रांगण में जब डॉक्टर डवोलकर सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले उनको दो गनमैन ने शूट कर दिया। वो ऑन द स्पॉट मारे गए और हत्यारे बाइक पे बैठ के भाग गए। जब सीबीआई ने इस पूरे इंसिडेंट का जांच पड़ताल शुरू करा तो उनको यह पता चला कि डॉक्टर डवोलकर के हत्या का रीजन उनका और सनातन संस्थान का लॉन्ग स्टैंडिंग हेटरेड था। इन्वेस्टिगेशन में आज तक 5 अक्यूज को गिरफ्तार किया गया था, नेमली वीरेंद्र सिंह तावड़े, सचिन अंदुरे, शरद कलस्कर, संजीव पुनालिकर एंड विक्रम भावे। ऑल 5 ऑफ देम हैड प्लेडेड नॉन गिल्टी, बट रिसेंटली एक आई विटनेस ने 2 प्रोसिक्यूटर्स नेमली अंदुरे एंड कलस्कर को आइडेंटिफाई किया था, जिसके बाद वो फिर से अभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। एंड दैट मींस कि आज भी डॉक्टर डवोलकर का केस कोर्ट में ओपन है एंड आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला है। गौरी लंकेश। नरेंद्र डवोलकर के केस में और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया था जिनका नाम था अमोल कले, अमित दिग्वेकर और राजेश बंगेरा। ये तीनों नाम जुड़े थे एक पर्सनालिटी से जो कि जर्नलिस्ट से एक्टिविस्ट बन गई थी, गौरी लंकेश। गौरी लंकेश के पिता खुद एक पोएट जर्नलिस्ट थे जो कि लंकेश पत्रिके नाम का एक खुद का न्यूज़पेपर चलाते थे। उनके अंदर का पत्रकार उनकी बेटी गौरी में भी झलक उठा जब उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बैंगलोर के टाइम्स ऑफ इंडिया में करी। साल 2000 में अपने पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने लंकेश पत्रिके को बंद करने का डिसीजन लिया था, लेकिन वहां के पब्लिशर मानी को यह रियलाइज हुआ कि गौरी के पिता के द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ यह न्यूज़पेपर बंद करना वोंट बी द राइट थिंग टू डू। सो ही कन्विंस्ड गौरी एंड हर ब्रदर टू कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ हिज फादर व्हिच दे डिड। गौरी अब लंकेश पत्रिके की एडिटर बन चुकी थी और उनके भाई इंद्रजीत पब्लिकेशन बिजनेस संभाल रहे थे। ये कितनी अच्छी बात थी नहीं कि एक पिता के लेगेसी को दो भाई बहन मिलकर चला रहे थे, राइट? वेल रॉन्ग। बस कुछ समय की बात थी जब ये टुगेदरनेस राइवलरी में कन्वर्ट हो गया। इस राइवलरी की शुरुआत तब हुई जब गौरी और इंद्रजीत अपने न्यूज़पेपर के विजन को लेकर अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। उस टाइम पर नक्सलाइट्स ने पुलिस पर एक अटैक कर दिया था जिसके ऊपर लिखे गए एक रिपोर्ट को गौरी ने अप्रूव कर दिया और इंद्रजीत का ऐसा मानना था कि वो रिपोर्ट उनके न्यूज़पेपर के विजन से अलाइन नहीं करता है एंड दैट्स व्हाई उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी इस चीज से। इंद्रजीत का मानना था कि इस रिपोर्ट से लंकेश पत्रिके की इमेज खराब हो रही है और इसीलिए उन्होंने उस रिपोर्ट को विदड्रॉ कर लिया और बाद में उन्होंने गौरी के खिलाफ एक दर्ज कराई कि उन्होंने कंप्यूटर प्रिंटर पता नहीं क्या क्या चोरी कर रखा है। इसके बाद गौरी ने इंद्रजीत के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि इंद्रजीत ने उसे रिवॉल्वर से धमकाया है और इसी इंसिडेंट के बाद गौरी ने अपनी खुद की न्यू वीकली न्यूज़पेपर की शुरुआत करी जिसका नाम था गौरी लंकेश पत्रिके। शी वॉज नोन टू क्रिटिसाइज द एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग हिंदुत्व पॉलिटिक्स एंड स्टूड बोल्डली अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। उन्होंने पॉलिटिकली अपने कई सारे दुश्मन बना लिए थे बाई स्टेटिंग कमेंट्स सच एज हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन बट अ सिस्टम इन द हायरार्की ऑफ सोसाइटी एंड वुमेन आर ट्रीटेड एज सेकंड क्लास क्रीचर्स। गौरी ने एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ मेंबर्स के अगेंस्ट एक आर्टिकल पब्लिश करा था स्टेटिंग दैट दे हैड फूल्ड अ ज्वेलर फॉर 1 लाख रुपीज और इसके बदले में उन पॉलिटिकल लीडर्स ने गौरी के अगेंस्ट एक डिफेमेशन केस फाइल कर दिया। कोर्ट में मुकदमा चलता गया एंड शी फेल्ड टू प्रूव हर पॉइंट विद वैलिड एविडेंस और 5 सितंबर 2017 को उनकी मौत उनके घर के बाहर ही उनकी राह देख रही थी इन द फॉर्म ऑफ 3 गनमैन। 7 गोलियां उन पर बरसाई गई जिनमें से 3 उनके हेड, नेक और चेस्ट पर जाकर लगी।
जिसके कारण ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। इन्वेस्टिगेशन में करीब 18 लोगों का नाम आया जो कि इस मर्डर से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। गुलशन कुमार, दिल्ली के दरियागंज में फ्रूट जूस बेचने से लेकर म्यूजिक इंडस्ट्री का किंग बनने तक का सफर तय किया था टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने, लेकिन इसी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। बचपन से ही गुलशन कुमार अपने पिता के फ्रूट जूस के बिजनेस में उनका हाथ बटाते थे। उनकी मुलाकात म्यूजिक बिजनेस से तब हुई जब उनके परिवार ने एक रिकॉर्ड शॉप खरीदने का सोचा। वो यहाँ से सस्ते दामों में कैसेट्स बना के बेचने लगे जिनसे कि उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। CNBC टीवी के आर्टिकल में जैसे बताया गया है, वैसे इंडिया के कॉपीराइट एक्ट का एक लूपहोल भी उनके सक्सेस में भागीदार था। द लूपहोल वाज दैट द कवर वर्जंस ऑफ ओरिजिनल सॉन्ग्स वर अलाउड ओनली विद डिफरेंट सिंगर्स एंड डिफरेंट ऑर्केस्ट्रा। तो लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार जैसे डोमिनेंट सिंगर्स के फेमस गाने गाने के लिए गुलशन कुमार ने अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज और कुमार सानू को हायर किया। समय के साथ और गुलशन कुमार जी के सपोर्ट के साथ कैसे ये नए सिंगर्स म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा फेमस हो गए, ये हम सबको पता है। जहां इंडिया के बाकी कैसेट्स बहुत ज्यादा महंगे बिकते थे, गुलशन कुमार जी ने अपने कैसेट्स की क्वालिटी हाई रखी और प्राइस कम रखा और कैसेट्स घर घर में पहुंच गया। सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज इंडिया के म्यूजिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन चुका था और साथ ही साथ उसी का लेबल टी सीरीज भी आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था बाय मेकिंग इटसेल्फ वर्थ ₹500 करोड़ कंपनी टिल 1997। और जैसे जैसे गुलशन कुमार को म्यूजिक बिजनेस में सफलता मिलती गई, वैसे वैसे उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखना शुरू कर दिया। एंड सून ही बिकेम एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ बॉलीवुड बाय गिविंग हिज फर्स्ट हिट एज अ प्रोड्यूसर विद 1989's लाल दुपट्टा मलमल का, 1990's आशिकी एंड मेनी मोर फिल्म्स विच वर नोन फॉर इट्स म्यूजिक थैंक्स टू गुलशन कुमार। लेकिन ये किसे पता था कि जल्द ही यही सफलता उनके मौत का कारण बन जाएंगी। नदीम सैफी के एल्बम है अजनबी को पब्लिसिटी नहीं देने के कारण उनके टर्म्स गुलशन कुमार के साथ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके थे। और फिर 12 अगस्त 1997 को जब गुलशन कुमार मंदिर से अपने घर लौट रहे थे तब कुछ गनमैन ने उनकी हत्या कर दी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को यह पता चला कि इस मर्डर के पीछे नदीम सैफी का ही हाथ था और उन्होंने ही उन गनमैन को पैसे दिए थे इस काम को अंजाम देने के लिए। अब जैसे ही नदीम इस इंसिडेंट में प्राइमरी सस्पेक्ट डिक्लेयर हुए, वो यूके भाग गए। लेकिन नदीम के साथ साथ गुलशन मर्डर केस में और भी ऐसे बहुत ही डेंजरस एंड प्रोमिनेंट नेम जुड़े हुए थे। ये बात है उस समय की जब मुंबई पूरी तरीके से गैंगस्टर डोमिनेटेड था, इतना ज्यादा कि बॉलीवुड पे भी उनका कब्जा था। ये वो टाइम था जब माफिया को बिजनेस ओनर्स को कुछ पैसे देने होते थे इन द नेम ऑफ प्रोटेक्शन मनी, एंड अगर वो ये पैसे उनको नहीं देते थे तो फिर इसका अंजाम क्या होता था ये आपको ही पता है। ऐसा कहते हैं दैट गुलशन कुमार हैड रिफ्यूज्ड टू पे द प्रोटेक्शन मनी अ फ्यू टाइम्स टू द नेटवर्क ऑफ अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट कॉल्ड डी कंपनी, जिसे दाऊद खुद कंट्रोल करते थे। नदीम सैफी जब दाऊद इब्राहिम के साथी अबू सलीम के पास गुलशन कुमार को मारने की सुपारी लेकर गए तो उनको ये पता चला कि अबू सलीम ऑलरेडी गुलशन कुमार को मारना चाहते थे क्योंकि गुलशन कुमार ने उनको प्रोटेक्शन मनी देने से मना कर दिया था। अबू सलीम ने अब्दुल रौफ और अब्दुल राशिद को उनका मर्डर करने के लिए अपॉइंट किया था। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद करीब 26 नाम सामने आए जिनमें से बस 2 असैसिनेटर्स रौफ और अब्दुल राशिद को ही लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। म्यूजिक इंडस्ट्री में गुलशन कुमार वन ऑफ द मोस्ट नोन पर्सनालिटीज में से एक है एंड इवन आफ्टर हिज डेथ टी सीरीज ने हमेशा ऊंचाइयां ही देखी हैं। सिद्धू मूसेवाला, अपने गांव के नाम को स्टेज नेम के तौर पर इस्तेमाल करके शुभदीप सिंह सिद्धू इंडिया के ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के सिंगर बन चुके थे। भोला सिंह और चरण कौर के घर में जन्मे शुभदीप बचपन से ही म्यूजिक की तरफ इंक्लाइन थे। उन्होंने अपने अंदर के संगीतकार को बचपन से ही नर्चर किया और धीरे धीरे सिद्धू मूसेवाला हिप हॉप इंडस्ट्री का तगड़ा नाम बन चुका था। सिद्धू मूसेवाला ने 2016 में अपना ग्रेजुएशन गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से पूरा किया, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में उन्होंने म्यूजिक की तरफ अपने पैशन को कभी बुझने नहीं दिया। उनके लिखे हुए गाने उनके पंजाबी फ्रेंड्स के थ्रू एक पंजाबी वेल नोन सिंगर निंजा के पास पहुंच गया और निंजा को उनका गाना इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने खुद सिद्धू मूसेवाला को अप्रोच करा अपने अगले सॉन्ग को लिखने के लिए और इस तरीके से सिद्धू मूसेवाला का डेब्यू होता है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में फॉर निंजा'स सॉन्ग लाइसेंस एज अ सॉन्ग राइटर। कनाडा के ओंटारियो में आने के कुछ समय के बाद सिद्धू की मुलाकात म्यूजिक प्रोड्यूसर बिग बर्ड के साथ हुई। ही कोलैबोरेटेड विद हिम इन 2017 बाय रिलीजिंग वन ऑफ हिज हिट सॉन्ग्स कॉल्ड सो हाई। लेकिन सो हाई उनके करियर के बारिश का तो सिर्फ पहला बूंद था क्योंकि इसके बाद उन्होंने ढेर सारे ऐसे गाने बनाए जिन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया एंड बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारा प्यार उनको मिला। 2018 में उन्होंने अपना डेब्यू एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था PBX1। द एल्बम वॉज सिनोनिमस टू हिट क्योंकि उसने सिद्धू को इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली फेम दिलवाया बाय शाइनिंग ऑन कैनेडियन एल्बम्स चार्ट एंड विनिंग अवार्ड्स एट ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स। इसके बाद उन्होंने फेमस रैपर बोहेमिया के साथ भी एक सॉन्ग सेम बीफ के लिए कोलैब किया था जिसके लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन मिला उन्हें। 2021 में उन्होंने 32 ट्रैक का एक अपना तीसरा एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था मूसे टेप। लेकिन जहां एक हाथ में सिद्धू फेम को साथ लेकर चल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कंट्रोवर्सीज ने उनका दूसरा हाथ पकड़ लिया था। सिद्धू के गाने हमेशा ही बहुत
इस टाइप के होते थे जिनमें वो रियलिटी की बात करते थे, अपनी लाइफ के बारे में बात करते थे, समाज के बारे में बात करते थे, कल्चर के बारे में बात करते थे। 2019 में उन्होंने अपने सॉन्ग में 18th सेंचुरी के सिख वॉरियर मैं भागो का नाम मेंशन करा था, जिसकी वजह से कई लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट हो गए थे। उसके बाद 2020 में उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें पुलिस से घिरे सिद्धू हाथ में AK-47 लेकर खुद को ट्रेन कर रहे थे। 6 पुलिस ऑफिसर जो कि उनके साथ वहीं पर थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था व्हाइल ही वाज बुक्ड अंडर 2 सेशंस ऑफ द आर्म्स एक्ट। अब इसी इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करते हुए सिद्धू ने एक न्यू सॉन्ग लिखा था जिसका नाम था संजू, जिसमें उन्होंने खुद को कंपेयर करा था संजय दत्त से जो कि आर्म्स एक्ट के अंदर अरेस्ट हुए थे। सिंगिंग के साथ साथ उन्होंने प्रोडक्शन और एक्टिंग के फील्ड्स में भी एंटर कर लिया था, लेकिन उनका अगला और आखिरी कदम पड़ने वाला था पॉलिटिक्स में। सिद्धू के लिए पॉलिटिक्स दूर की बात नहीं थी क्योंकि उनकी माँ चरण कौर खुद भी सरपंच के इलेक्शन लड़ चुकी थी। फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर बनने के बाद मूसेवाला ने 2021 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जिसमें कि वो 60,000 से भी ज्यादा वोट से हार गए। 2022 में सेक्शन 188 के तहत उनके ऊपर चार्जेस लगे थे क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया था बाय होल्डिंग डोर टू डोर कैंपेन्स इवन आफ्टर द एंड ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। और 2022 के इस हार को उन्होंने फिर एक गाने में तब्दील कर दिया जिसका नाम था स्केपगोट। सिद्धू ने सबलिमिनली अपने इस गाने में मानसा के वोटर्स को ट्रेटर्स कहा था जिसके कारण वो फिर से कंट्रोवर्सी में फंस गए। फास्ट फॉरवर्ड टू अ फ्यू डेज अगो, सिद्धू वाज शॉट टू डेथ इन द ब्रॉड डेलाइट। उन पर तभी अटैक किया गया था जब गवर्नमेंट ने सिद्धू के साथ साथ और भी 400 VIPs पर से टेम्पररीली सिक्योरिटी हटा दी थी। एज द DGP ऑफ पंजाब स्टेट्स द लिस्ट ऑफ दीज VIPs whose security was taken back was made public and that somehow led to the murder conspirators to take action। केस पर इन्वेस्टिगेशन से यह पता चल रहा है कि सिद्धू की मौत इंटर गैंग राइवलरी के कारण हुई थी। पंजाब बेस्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी ली है। जब तक ये तहकीकात पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे का कारण क्या था, किसने क्या किया, कौन जिम्मेदार है। पर वजह खैर जो भी हो, ये बात तो जरूर है कि हिंदुस्तान ने एक बहुत ही अच्छा सिंगर, एक बहुत ही अच्छा इंसान, एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट को खो दिया है जिसकी एज थी सिर्फ और सिर्फ 28 साल। वो आर्टिस्ट जिसने एक साल में एक एल्बम रिलीज करा था विद 32 सॉन्ग्स, तो आने वाले समय में उसने पता नहीं क्या क्या नहीं कर दिया होता। यूथ के बीच उनके पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि उनके गाने बहुत ज्यादा रिलेटेबल होते थे। मतलब अगर आप यंग पॉपुलेशन से बिलोंग करते हो तो उनके लिरिक्स से आप रिलेट करोगे, उनके आक्रोश से आप रिलेट करोगे। वो जो बात कन्वे करना चाहते थे बड़ी बड़ी बातों को अपने गानों में मेंशन कर देते थे। तो ये थी 4 ऐसी पर्सनैलिटीज जिनके मौत का कारण अगर मैं कहूँ तो शायद ये था कि उनके आइडियोलॉजीज, उनके रहने का तरीका अलग था उनके असैसिनेटर से। ये बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज भी हमारे देश में ऐसा इंसिडेंट हो रहा है। सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद हमें सोचना चाहिए कि ऐसा सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एट लास्ट लेट्स एंड दिस वीडियो बाई प्रेइंग फॉर सिद्धू मूसेवाला सोल टू रेस्ट इन पीस।